स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। फटाफट मैं आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहली अपडेट क्या है, आप सभी को पता है कि कल FOMC मीटिंग थी और FOMC मीटिंग में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही निकला, 75 BPS इंटरेस्ट रेट निकल के आए। अब आपको एक चीज़ जाननी है, जब भी FOMC मीटिंग हो तो आपको लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, और हो सके तो शॉर्ट भी मत करना। अब जिन्होंने कल शॉर्ट करा है उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉन्ग करी थी मार्केट को। अब जो लॉन्ग करे हैं भाई वो फंस गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट कितनी वॉलेटाइल थी, और वॉलेटाइल इतनी थी मार्केट कि आपका 19,300-19,400 के करीब ट्रेड कर रहा था और एक साथ बिटकॉइन $1,000 गिर गया, ठीक है। तो भैया ये आपके जो एसेट हैं, आपके वैसे भी वॉलेटाइल एसेट होते हैं, तो जो ऐसे टाइम होते हैं उनमें कम से कम ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, 75 BPS बहुत हाई निकल के आया है, प्री कोविड से भी ज़्यादा निकल के आया है, यानी कि इतना तो कोविड के दौरान या कोविड से पहले भी नहीं था जितना अब निकल के आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट ये है कि 13 अक्टूबर को अब एक और FOMC मीटिंग है, उसके ऊपर भी हम नज़र बनाएंगे। और याद रखिएगा 13 अक्टूबर को है, तो मैं आपको 12 अक्टूबर में एक स्ट्रैटेजी ऐसी समझाने वाला हूँ, एक स्ट्रैटेजी ऐसी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ऐसे टाइम पर भी पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपको अक्टूबर के मंथ में ही मैं आपको दूंगा मीटिंग के आसपास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव होने जा रहा हूँ। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करोगे तो मैंने आपके साथ आज कॉल भी शेयर करी है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आपकी इथेरियम की है। तो मेरे भाई इथेरियम में मुझे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, मार्केट गिरी है, गिरने के बाद एक हैमर कैंडल बनाई है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इथेरियम को लॉन्ग करने की। अगर आप स्पॉट पे बाय करना चाहते हो तो स्पॉट पे भी आप बाय कर सकते हो, लॉन्ग करना चाहते हो तो लॉन्ग भी कर सकते हो आप लोग। अभी कितना चल रहा है, अभी 1265 के करीब चल रहा है, 1265, मैं 1260 से नीचे ही लॉन्ग देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है इसको आप 3x के ऊपर ही करें, ज़्यादा लंबी इसको ना खींचे, 3x के ऊपर ही करें, या स्पॉट पे भी बाय कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बना के दे सकती है, तो मैंने आपको ट्रेड भी बता दी कहाँ से कहाँ तक लॉन्ग करनी है। आपको 1260 से लेके 1200 का लेवल आप लगा लो, इसके बीच में आप कहीं भी लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 1150 के करीब होना चाहिए, और जो TP हमारा वो आपका 1450-1500 के करीब तक हम अपना TP लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए मैंने आपको बता दी है। और लेवरेज आपको कम रखनी है और स्पॉट पे बाय करें वो अलग बात है। गाइस, नेक्स्ट अपडेट आपकी, फ्रांस का जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक है जिसका नाम है आपका सोसाइटी गैनरेल, ठीक है, इन्होंने क्रिप्टो फंड सर्विसेज लॉन्च कर दी है फॉर एसेट मैनेजर्स, यानी कि जो एसेट मैनेज करते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रहे हैं क्रिप्टो की, तो एक बहुत बड़ी अपडेट है इसलिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब बिटकॉइन की अपडेट मैं आपको बताऊं तो 18,500 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर डेली में हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप देखेंगे फिर बिटकॉइन को नीचे गिरता हुआ, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये लेवल नहीं टूटा और अभी शायद और ना टूटे, तो इथेरियम में इसलिए मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूं, तो इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। बाकी मिलता हूं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मार्केट में सुरक्षित रहें, और अगर आप जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में और, तो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करते रहें। एक और अपडेट है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, वो लगातार बिटकॉइन को बाय करती जा रही है, आप भी मिस मत करना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है उसके बाद शायद अपॉर्चुनिटी मिले ना, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।